भाईंदर पश्चिमच्या उत्तम सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 6 तारखेला विजेचा शॉक लागल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. विजेचा धक्का लागल्याची संपूर्ण घटना दुकानाबाहेर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली आहे. याबाबत उत्तम सागरी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मयत व्यक्तीला दुकानात करंट पास झाल्याने शॉक लागून त्याचा मृत्यू झाला असून यात अडाणीवाल्यांनी कामात निष्काळजीपणा केल्याने मृत्यू झाल्याचे त्याच्या कुटुंबातील लोक सांगत आहेत. या घटनेमध्ये उत्तम सागरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दाताराव कारंडे यांच्याशी याबाबत विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितले की याबाबत विद्युत विभागाला तपासणी करता कळवली असून अधिकारी घटनास्थळी येऊन पाहणी करून गेले आहेत आणि त्याचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. 6 सप्टेंबर रोजी उत्तम नाका या ठिकाणी असणारे मीना शॉपिंग सेंटर या ठिकाणी एका इसमाचा इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत झालेले होते. त्यामध्ये आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये ADR दाखल केलेला आहे. त्यानंतर विद्युत विभाग जो आहे सांताक्रूझचा त्यांचे विद्युत निरीक्षक आहेत, त्यांच्याकडून घटनास्थळाची तपासणी करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये जर कोण दोषी असतील तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुकेश बद्रीलाल पंड्या. मुकेश जी क्या हुआ था हादसा आपकी दुकान में और किसकी मौत हुई है? मेरे जीजाजी की डेथ हो गई है और हादसा ये हुआ था कि जीजाजी मेरे दुकान पे थे अकेले. लाइट वाले आए, दो जन लाइट बिल नहीं भरा हुआ था तो लाइट काट के तुरंत दुकान पे आए. काटने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी लाइट काट दी, आपने लाइट बिल नहीं भरा है. तो जीजाजी ने बोला हाँ लाइट बिल नहीं भरा है, मैं लाइट बिल ऑनलाइन भर देता हूँ, आप मेरी लाइट वापस चालू करो. तो जीजाजी ने जो पहले तो मेरे भाई को फ़ोन किया कि तुरंत दुकान पे आओ, 4-5 हज़ार रुपया लेके लाइट बिल भरना है. फिर जीजाजी ने ऑनलाइन लाइट बिल भरा 2:51 पे. तो उनको बोला लाइट वाले को वापस मेरी लाइट ज्वाइन करो. भाई और मेरे जीजाजी यहीं खड़े थे दुकान के बाहर. लाइट वाले गए पीछे, भाई उन्होंने लाइट ज्वाइन की तो उन्होंने वायर इधर उधर डाल के ज्वाइन किए क्योंकि मीटर उन्होंने पहले निकाल दिया था. और जब वो दुकान पे चालू करके आए भी नहीं, मेरे जीजाजी बाहर खड़े थे तो दुकान के अंदर गए तो और ये मशीन सब लाइट के, ये लाइट का तो इसको तुरंत अंदर आने के बाद हाथ लगाया तो उनको जोरदार शॉक लगने के बाद भाई खड़ा था तो वो भागा बाहर से, क्या हुआ जीजाजी क्या हुआ, तो छुड़ाने गया तो उसको भी शॉक लगा तो वो तो झटके से छूट गया. वो चटके छूट गया फिर उसने फटाफट मेन स्विच और बटन बंद किया लेकिन तब तक जीजाजी को करंट आ चुका और जीजाजी एकदम गिर गए नीचे. और फिर वो लाइट वाला आया, उसने देखा आके तो वो और तब तक मेरे भाई ने मुझे भी फ़ोन किया कि भाई दुकान पे आ जल्दी, जीजाजी के कुछ हो गया. तो मैं खुद तुरंत दौड़ के मैं आया, तब तक लाइट वाला भी पीछे से आ गया था और वो डर के, उसको पता चल गया कि ऐसा ऐसा काम हो गया है और तो डर के भाग गया. फिर हमने जो हम इधर से गए फिर हम सब इधर पब्लिक जमा हुई, सब बाजू बाजू वाले को मैंने बुलाया, रिक्शे में उनको रखे हॉस्पिटल गए. इधर एक कोसा हॉस्पिटल है उत्तर में, उधर लेके गया. उन्होंने मुझे बोला कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ. फिर वहाँ पे वोकाड मीरा रोड में वोकाड हॉस्पिटल में ले गया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, जगह पे जहाँ पे इनको करंट आया वही इनकी डेथ हो चुकी थी. क्या बात हुई तो उनको ही बात सब समझाई. फिर हमारे उत्तर में जो पुलिस आए, हमारे व्यापारी मंडल के सब मारवाड़ी फिर दूसरे मुस्लिम सब जो भी हमारे व्यापारी मंडल के कम से कम 80 से 100 जन वहाँ पे आए. फिर हम लोग वहाँ से बोरी लेके टेम्बा हॉस्पिटल गए, वहाँ से हम लोग ने पोस्टमार्टम कराया. फिर हम लोग गाँव वही दिन गाँव चले गए, रात में 3 बजे निकले, 6 तारीख की रात में 3 बजे. दूसरे दिन 7 तारीख को 9 बजे वहाँ हम लोग पहुँचे. फिर 9 बजे पहुँचे. फिर सुबह में 8 तारीख को उनका दाह संस्कार किया. 2 दिन में हमारा जो काम था मैंने वहाँ पटाया. हमारे भाई ने हमारी पूरी फैमिली गई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा सब लोग हम लोग गए. और फिर हम लोग 11 तारीख को यहाँ वापस आए. परसों के दिन 2 दिन पहले ही हम लोग वापस आए. फिर जाके मैं उत्तम पुलिस चौकी गया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा हाथ जोड़ा उनको, मैं बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरे जीजाजी की डेथ हो गई है, हादसा हो गया और ये सब लाइट वाले की गलती की वजह से हुआ है सर. तो उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की और उन्होंने बोला FIR नहीं होगी. PWT वाले सर आए थे यहाँ पे 4-5 दिन पहले, हम लोग तो गाँव ही थे, आजू बाजू वाले बता रहे थे कि वो आके गए, वो लोग ने भी आपसे रिपोर्ट किए तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर FIR देखेंगे. तो मैं बोला सर रिपोर्ट तो मेरी दर्ज करो, मेरी FIR तो दर्ज करो, ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया, मेरी बहन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बोला उनका क्या होगा सर. तो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं किए. तब जाके मैंने योगिता मैडम से बात की, तब जाके योगिता मैडम ने हमारी सभी कहानी उनको बताई, से सब हमारे साथ हादसा हुआ है. और अब अभी जो आप बोल रहे आपका मामला जो पोस्टमार्टम होता है उसमें क्या बताया किस वजह से मौत हुई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्होंने दी, उन्होंने अभी तक कारण नहीं बताया है. उन्होंने वहाँ पे ऐसे ही लिखा है रिवीजन, हम लोग ने नहीं बताया है फाइनल और उनको रिपोर्ट दी खाली. अभी मैं फिर जाऊँगा वहाँ तो क्या होता है देखो सर, अभी नहीं उसमें तो रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है उन्होंने.